अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग A03 मॉडल है इसका। अगर हम बैकवर्ड मॉडल देखते हैं तो बैकवर्ड मॉडल मिलता है SM.A035F मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका ये पावर का बटन है, इसको आपने प्रेस करके चेक कर लेना है कि आपका ये फ़ोन इस तरीके से ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपका फ़ोन इस तरीके से ऑफ नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम अप का बटन और वॉल्यूम डाउन का बटन आपने यहाँ पर इस तरीके से मुसलसल प्रेस करके रखना है और ऑन ऑफ की को भी आपने प्रेस करके रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इस फ़ोन को मुकम्मल ऑफ करना है। जैसे ही आपका डिस्प्ले का फ़ोन ऑफ हो, इस तरीके से आपने प्रेस करके रखना है और इस फ़ोन को आपने ऑफ़ कर लेना है। तो जैसे ही आपका फ़ोन ऑफ हो, आपने वॉल्यूम डाउन का बटन छोड़ देना है और पावर का बटन छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी पावर को ऑफ कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपने प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आपका ये सैमसंग लागू आए, आपने वॉल्यूम डाउन का और पावर का बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप का बटन आपने प्रेस करके रखना है इस तरीके से। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये फ़ोन है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका वेब कैशे पार्टीशन है, इसको आपने सबसे पहले क्लियर करना है। तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और इसको आपने वेब कैशे पार्टीशन के ऊपर लेकर आना है और अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो यहाँ पर यस और नो का पॉपअप आएगा, आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से इसको यस पर लेकर आना है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है इस तरीके से। तो ये आपका वेब कैशे पार्टीशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपने वॉल्यूम डाउन का बटन दोबारा प्रेस करना है और यहाँ पर इसका वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, कैंसिल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और इसको वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट के ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है और यहाँ पर आपने इंतज़ार करना है जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर ऑन ऑफ की को प्रेस करेंगे और इसको रीबूट करवा लेंगे। तो दोस्तों, अब आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक आपका ये फ़ोन मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट भी लग सकते हैं, 2-4 मिनट भी लग सकते हैं। तो
इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है हम दोबारा वीडियो को प्ले कर लेंगे। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये मोबाइल मुकम्मल ऑन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इनको ऑल अप्लाई करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब अगर आप यहां पर वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अगर इसका डाटा कॉपी करना चाहते हैं ऐप्स वगैरह का तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर डू नॉट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसका टाइम एंड डेट है, अगर आप सेट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मोर का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और एक्सेप्ट का बटन आ गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पर इसका पिन पैटर्न फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्किप एनीवेज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपने। अब आपने यहाँ पर ऐप्स आ रही हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका सैमसंग अकाउंट लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर एक मरतबा स्किप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फिनिश का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो हमारा रिमूव हो गया है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया सैमसंग A03 को आपने पिन पैटर्न कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।